इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब रियलिटी शो की बात होती है तो जहन में सबसे पहला नाम बिग बॉस का ही आता है। बिग बॉस का लास्ट सीजन तो सुपर डुपर हिट रहा, तो अब लोगों को इंतजार है तो बस बिग बॉस के सीजन 14 का। कभी बेवजह लड़ाई, कभी रोमांस का तड़का, तो कभी हैरान कर देने वाले टास्क। बिग बॉस में हर वो मसाला है जो इसे बनाता है द मोस्ट लव्ड एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो ऑफ द इंडियन टेलीविजन। और इस बार आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, क्योंकि अगर खबरों की माने तो इस बार राधे माँ लेने वाली हैं शो में एंट्री। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वही राधे माँ जो खुद को देवी का अवतार कहती हैं। और यही वजह है कि लोगों को बिग बॉस के नए सीजन का बेसब्री से इंतजार है। जब से बिग बॉस 14 का प्रोमो सामने आया है, तब से लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार इस बार कौन कौन होने वाला है शो में कंटेस्टेंट। ऐसे में कॉन्ट्रोवर्शियल राधे माँ के शो में हिस्सा लेने की खबर ने तहलका मचा दिया है। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस के इस सीजन के लिए सुखविंदर कौर, जो कि राधे माँ के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें शो के मेकर्स द्वारा अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक ना शो के मेकर्स की तरफ से और ना ही राधे माँ की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भी राधे माँ की मेकर्स के साथ शो में हिस्सा लेने पर बातचीत हुई थी, लेकिन किसी कारण से ये बात बन नहीं पाई थी। लेकिन इस बार राधे माँ का शो में हिस्सा लेना करीब करीब तय ही बताया जा रहा है। राधे माँ अपने अजीबोगरीब हरकतों और कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी की वजह से खबरों में बनी रहती हैं। उन पर लोगों से अश्लील बातें करने जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। यहाँ तक कि एक समय पर उनकी भक्त रही एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा भी राधे माँ पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर इस बार राधे माँ शो का हिस्सा बनती हैं, तो ये सीजन अपने पिछले सालों के सीजन की तुलना में और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है। खबरें हैं कि कुमकुम भाग्य के एक्टर विशाल रहेजा, ये है मोहब्बतें शो की एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा को लेकर भी खबरें हैं कि वह भी बिग बॉस के घर में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा सुगंधा मिश्रा भी बिग बॉस में नजर आ सकती हैं। शक्ति अस्तित्व के एहसास की टीवी सीरियल के मेन लीड एक्टर विवियान डिसेना भी सलमान खान के शो में दिख सकते हैं। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।